आज हम बनाएंगे एकदम खिली खिली बिखरी बिखरी स्वादिष्ट आलू कतली एकदम हलवाई स्टाइल में। ये देखिए मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ, एकदम नरम और सॉफ्ट है। एक बार बना लेंगे तो बार बार खाने का मन करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लिए हैं मैंने 3 आलू। ये आलू ये देखिए क्या साइज़ के हैं, ये इनकी मम्मी जैसी लग रही है और ये 2 बच्चे हैं। तो इनको सबसे पहले हम छील लेंगे। ये मैंने इधर छील करके रखे हुए हैं। दोस्तों आप इनको नॉर्मली बनाकर खा सकते हो, व्रत में भी खा सकते हो। तो चलिए इनको हम काटेंगे चिप्स जैसा, एकदम चिप्स जैसा पतला नहीं काटना है, उसे थोड़ा मोटा ही रखना है, नहीं तो एकदम भत्ता बनकर के तैयार हो जाएगा, फिर जो हम बना रहे हैं वो एकदम से बेकार हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से काटना है, एकदम प्लेन थोड़ा मोटाई रखना है। और इसको हम 2 बार अच्छे से वॉश करेंगे ताकि इसमें जो चिपचिप होती है वो निकल जाए। इधर मैंने चढ़ाया था पानी, पानी हो चुका है अच्छे से गर्म। मैं आपको दिखाती हूँ और ये देखिए एकदम खोल गया है। तो इस पर हम लगाएंगे एक जाली, स्टैंड भी लगा सकते हो और ये जाली वाली प्लेट भी लगा सकते हो। तो इस पर हम एक एक आलू सजा करके रखेंगे इस प्रकार। ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है दोस्तों। एक बार बनाएंगे तो बार बार मांगेंगे, ये गारंटी है। व्रत में भी खा सकते हो नॉर्मली। और इसको हम ढक देंगे एक प्लेट से, सिर्फ 5 मिनट में ये पक करके तैयार हो जाएगा दोस्तों। और ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारे जो आलू थे वो एकदम से सॉफ्ट सॉफ्ट हो गए हैं। आप देख सकते हो ये तो टूट भी गया है। तो इनको हमने अलग निकाल लिया है, ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। एक कटोरी, ग्लास, मैसर कुछ भी ले सकते हो, उसकी सहायता से इसको बारीक बारीक तोड़ेंगे इस प्रकार। और इधर मैंने थोड़ा सा गुड़ और चीनी ली है, केवल ये 20-20 ग्राम है। और इधर गर्म हो चुकी है कढ़ाई, तो इसको हम इसमें छोड़ देंगे। दोस्तों एक बात और है, ना इसमें कोई मावा है ना ही घी, बिना मावा और बिना घी के बनाएंगे इसको। और ये हमारी चाशनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और ये कलर भी देखिए गुड़ से कितना अच्छा कलर आया है, एकदम बढ़िया। और ये मैंने एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश मलाई ली है 2 चम्मच के करीब, इसको भी इसी में डाल देंगे। मलाई से ये वाली मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसको अच्छे से घोटेंगे और ये थोड़ा सा दूध डालेंगे, लगभग बड़ा 4 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं डालना है। और ये एकदम से बंदी बंदी सी हो जाएगी, पर दिक्कत की बात नहीं है, ये बाद में मेल्ट हो जाती है अच्छे से। ये आप देख सकते हो गुड़ और चीनी दोनों मेल्ट हो चुके हैं बढ़िया तरीके से। और ये मैं स्वाद के लिए 1 चम्मच मिल्क पाउडर डालूँगी। और ये जो मैंने आलू मैश करके रखे हुए थे बारीक बारीक, उनको भी डाल देंगे इसी में। और इसको अच्छे से करेंगे मेल्ट, दबा दबा करके करना है दोस्तों, ताकि हमारी मिठाई अच्छे से बन करके तैयार हो जाए। आप देख सकते हो ये इस प्रकार से करनी है। ये जब हो जाएगी तो अपने आप ही कढ़ाई छोड़ने लगेगा। आप आलू का हलवा भी बना सकते हो, बर्फी भी जमा सकते हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका कुछ बनता नहीं है, सब बन जाता है दोस्तों, बस थोड़ा सा दिमाग और मेहनत की ज़रूरत है। और ये देखिए हमारा जो आलू का भत्ता था वो कढ़ाई छोड़ चुका है और ये पूरी तरह से पक चुका है। और इसको हम निकालेंगे अलग एक प्लेट में, प्लेट को मैंने पहले ही ग्रीस करके रखा हुआ है। और इसको ऐसे ही फैला देंगे और 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट पर छोड़ेंगे ताकि हमारी अच्छे से सेट हो जाए। और इसको काजू कतली या पिस्ता या बादाम से जिससे मन करे उससे डेकोरेट कर सकते हो। काजू कतली की सेब में भी काट सकते हो, नॉर्मल बर्फी आती है उसकी भी सेब में काट सकते हो। और ये देखिए हमारी प्यारी लग रही है कितनी सुंदर एकदम से। दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसी लगी ज़रूर से बताएं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और ये देखिए मेरे काटने से ही पता चल रहा है कितनी सॉफ्ट और मुलायम बर्फी बनेगी।
मैं अभी आपको दिखाऊंगी निकाल करके, ना टूटेगी ना बिखरेगी, कुछ नहीं होगा, एकदम फ्रेश निकलेगी। ये देखिए क्या बढ़िया मस्त बन करके तैयार हुई है दोस्तों, ये देख सकते हो ऐसे ही निकल आया है पीस। और भी दिखाती हूँ, ये देखिए क्या मस्त लग रही है। तो दोस्तों एक बार से ज़रूर ट्राई करें, हैप्पी नवरात्रि, नॉर्मली बना करके खाएं, व्रत में खाएं।